गंगा ज्ञान होम्योपैथी क्लिनिक पीएचई के सामने हनुमान चौराहे के पास एबी रोड गुना मध्य प्रदेश। बुलंदपुरा में पेयजल की समस्या से जूझ रहे रहवासियों ने जाम लगाकर नगरपालिका और प्रशासन का ध्यान किया आकृष्ट। तहसीलदार और गुना टीआई मौके पर पहुंचे और रहवासियों को दी समझाइश। एक सार्वजनिक नल पर से लगभग 100 से ज्यादा लोग भरते हैं रोजाना पानी। लूसन का बगीचे क्षेत्र से कल गायब हुई दो नाबालिग बालिकाएं आज सुबह सकुशल पहुंची घर। बमोरी क्षेत्र के जौहरी गांव में खेत में लगी आग से लगभग 60 बीघा गेहूं जलकर हुआ खाक। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। ग्राम कोठिया में कुछ लोगों ने बाहरी गुंडों के साथ मिलकर गांव के ही एक युवक की घर में घुसकर की पिटाई, किया जानलेवा हमला। दोपहर किसी बात को लेकर ग्रामीणों ने फरियादी के साथ किया था बुवाद। ग्राम राजपुर के ग्रामीण की गुना में इलाज के दौरान हुई मौत। मरीज के परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। गुना टीआई विवेक अस्थाना ने शव का कराया पोस्टमार्टम। मुनि निर्णय सागर जी मुनिराज का सत्संग कल गुना में होगा प्रातःकाल मंगल प्रवेश। आज दयोदय गौशाला पर जैन समाज गुना और दयोदय गौशाला की कमेटी ने की उनकी भव्य अगवानी। मधुसूदनगढ़ क्षेत्र में दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने हुई भिड़ंत में 7 लोग हुए घायल। घायलों को FRV वाहन के सक्रिय पुलिस बल ने तत्काल पहुंचाया मधुसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र। रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने देवास में ली कांग्रेसियों की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। थाना कुमराज पुलिस ने एक स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर धारा 307 सहित कई धाराओं में थे मामले दर्ज। रामनवमी के मौके पर आरोन में कल निकाला गया विशाल जुलूस। जुलूस का जगह जगह हुआ स्वागत। आरोन शासकीय महाविद्यालय में कल आयोजित हुआ वार्षिकोत्सव। वार्षिकोत्सव में दी गई छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां। कुष्ठ रोगियों के लिए आज आयोजित हुआ कुष्ठ रोग निदान शिविर। शिविर में ग्रामीण क्षेत्रों से चिन्हित मरीजों का आज गुना में किया गया उपचार। शिविर में 55 में से 2 कुष्ठ रोगी और 7 टीबी के मरीजों की गई पुष्टि। करके की महू के पास के तालाब के पानी को नदियों में छोड़ने की मांग को लेकर किसानों के साथ भारतीय किसान संघ ने आज गुना में जिलाधीश महोदय को सौंपा ज्ञापन। जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना चौहान के मुख्य आतिथ्य में सूचना प्रन्योर को आज दिया गया प्रशिक्षण। ग्रामीण क्षेत्रों के 25 केंद्रों को खोलने के लिए आज जिला पंचायत अध्यक्ष ने लगभग कई महिलाओं को फोटोकॉपी मशीन और टैबलेट किए वितरित। संविदा अधिकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 12वें दिन भी रही जारी। आज विशेष रूप से सार्वजनिक स्थान पर टिक्की पिलाकर सभी संविदा कर्मियों ने जताया अपना विरोध। संविदा संघर्ष मंच के बैनर तले हो रही हड़ताल में अब रोजगार सहायक भी जुड़े। शासन पर लगाया रोजगार सहायकों के साथ विश्वासघात का आरोप। आरोन सीईओ पर लगाया संविदा कर्मियों के दमन का आरोप। गंगा ज्ञान होम्योपैथी क्लिनिक पीएचई के सामने हनुमान चौराहे के पास एबी रोड गुना मध्य प्रदेश।